हे गाइस, तो आज की जो वीडियो ना काफी ज्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रूथ एंड डेयर, जो आप लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछा था। साथ के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि यार क्या क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से पूछा है, साथ के साथ मैं वो चीज करके दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा बकचोदी होने वाली इस वीडियो में, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा अलग अलग से क्वेश्चन पूछे हैं, अलग अलग से डेयर दिए गए मेरे को, और वो मैं कंप्लीट करने वाला एक लोकेशन पे आया हूँ, क्योंकि यार मेरे को लगा इस लोकेशन में मेरे सारे डेयर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने पूछा है ना ट्रूथ, उसका भी आप लोगों को सच सच बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने, चलो फिर हम देखते हैं एक एक डेयर को कंप्लीट करते हैं। तो ये जगह है जहां पे मैं आया हूं, मतलब सारे डेयर मेरे को लगा यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे, और डेयर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो कि हेल्प करेंगे। मतलब क्योंकि यार जो डेयर दिया ना, मतलब छुपके ही करने हैं, जैसे किसी को प्रपोज करना, मतलब कुछ भी स्लैप करना, ऐसा कुछ दिया हुआ है, उस सब चीज के लिए हेल्प करने के लिए मेरे साथ मेरे तो छपरी गैंग वाले दोस्त हैं, एक नंदन एंड इट्स बमरेल। सो गाइस, तो हम लोग मिलकर ना काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मतलब बनाएंगे इसको जितना भी हो पाए, और मतलब बीच में पड़ पुड़ जाए तो हमारे, ठीक है, समझ लेना, क्योंकि ये एट ऑन माई रिस्क, क्योंकि अब क्या ही बोलूँ ना, आप लोगों ने बोला है तो मैं करके दिखाने वाला हूँ, तो जितना हो पाए मैं करूँगा। बट ये है कि चलो आज अब देखते हैं कौन कौन से आप लोगों ने डेयर दिया है साथ के साथ, और वो कंप्लीट करूँगा, मतलब पूरी कोशिश करूँगा यार, ये तो नहीं बोलता कर ही दूंगा, ठीक है। तुम लोग सालों क्या कुछ बोल रखा है मेरे को नहीं पता। बाकी ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हो, मतलब ऐसा डेयर चाहते हो कि यार फिर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसे बीच बीच में मैं ले आया करूँगा, तो मेरे को बता दिया करना, ठीक है, क्या कुछ मतलब ऐसी सारी चीज़ें। तो चलो अभी हम करते हैं ये जो डेयर दिया ना, काफ़ी सारे डेयर हैं वो कंप्लीट करते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे ना उसका सर सर जवाब दूंगा मैं। चलो एक क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो रिपीट में आता है वो मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। सो वो है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को रिवील करो, गर्लफ्रेंड को किस करो, ठीक है, गर्लफ्रेंड कौन है। तो तीन चार क्वेश्चन मिला के मान लो एक ही क्वेश्चन है, तो ठीक है, मैं फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने वाला हूँ। आ जा शर्मा, कह रही हो आ जाओ। हाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस ये है मेरी गर्लफ्रेंड वन एंड ओनली, एंड मैं इसको करने वाला किस। सो ये है मेरी गर्लफ्रेंड, और यही आज मेरी हेल्प करेगी सारा शूट करने में। चलो फिर जाने मन करते शूट स्टार्ट। तो चल रहा है ना, साथ में चल रहा है ना, स्टार्ट है। हाँ भाई, तो देखिए ये वो वहाँ की लड़कियाँ हैं दो, ठीक है, दिख नहीं रही, चल दिखा देंगे। तो ये जाके उसको प्रपोज करेगा, ठीक है, और मैं साथ में इसके लिए इसलिए जा रहा हूँ ताकि अगर इसको कुछ हो जाए तो मैं उठा के लेके आ पाऊँ इसको। देखो मैं पहली बार जा रहा, मैंने लाइफ में कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, तो अंदर से पूरी पड़ी पड़ी है। जो भी है यार, चल साथ में फूल तो निकाल लो। ठीक तुमसे ना हो पाएगा। सो देखो बहुत ही ज्यादा
कतई बंदर। तो एक अगला जो डेयर दिया हुआ है वो डेयर ही बोल रहे इसको, राज भाई आपको एक शॉर्ट फिल्म बनाना है जो कि 7 मिनट से कम हो और उसकी स्टोरी फोटोग्राफी पे बेस्ड होनी चाहिए। तो देखो भाई ये मैं बनाऊंगा जरूर आगे, मेरे को एक आध महीने का टाइम चाहिए, उस पर मैं बनाऊंगा एज ए फोटोग्राफी के ऊपर। या फिर जो बंदा फोटोग्राफी करता है इस लाइन को चूज़ करता है तो क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, मतलब बनाऊंगा उस लाइफ से रिलेटेड ऐसा कुछ शॉर्ट मूवी बनाऊंगा, मैंने पहले ही सोचा हुआ है। तो बस इंतज़ार करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वो जरूर आएगी, बहुत जल्दी आएगी। और अगला क्वेश्चन है कि तू वर्जिन है क्या, और इसमें भाई ने ये बोला है कि तुमको इस पर नई वाला मीम नहीं लगाना। तो ठीक है, मैं इस पर मीम नहीं लगा रहा, मैं खुद ही बोल देता हूँ नहीं। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि यार 7 बार एक साथ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 8-9 कितनी जितनी बार मर्जी बुलवा लो भाई। और एक क्वेश्चन है यार, डेयर है कि आप अपनी मॉम के सामने में स्मोकिंग करना है, ठीक है ये आपका डेयर है। तो देखो पहली बात तो ये कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, और दूसरी बात मैं अभी पीजी में रहता हूँ और मेरी मम्मी काफ़ी मतलब घर पे रहते हैं तो दूर है, तो मैं जा भी नहीं सकता। तो जब जाऊँगा तब भी मैं नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं करता। एंड आर यू वर्जिन, सेम क्वेश्चन फिर से आया तो नहीं। आगे पूछा गया आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, तो मेरे को भाई एक ही अच्छा लगता है एनएसपी पिक्चर्स, जो कि मेरे भाई हैं, और बाकी काफ़ी यूट्यूबर हैं जो अच्छा अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, तो बाकी सबसे मैं इंस्पायर होता हूँ, लेकिन खास जो मेरे को अच्छे लगते हैं वो एनएसपी पिक्चर्स, उनकी वीडियोज़ देखना या फिर उनके साथ काम करना, और मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, तो लव यू माई ब्रदर। एंड चलो एक अगला जो डेयर दिया है उन्होंने बोला कि 30 पुशअप लगाओ, ठीक है बिना रुके। एंड चलो ठीक है लगा देते हैं। तो मेरा दोस्त है तो इसकी बात रैंडम को बोला था ना, रैंडम कुछ नहीं बोला था, दोस्त को बोला था, ठीक है अपने दोस्त को स्लैम मारो, तो भाई मार दिया बिना बताए, अभी कट बताता हूं इसको। तो देख लो भाई साहब के करके, अब मुझे भी खाते पीते घर पे मुझे भी डेयर मिला है कि रैंडम ना अपने दोस्त को थप्पड़ मारो। सुन सुल्तान, अबे रुक, सुन कौन डेयर दिया भाई तेरे को, कैमरे के पीछे नंदन ने मेरे को डेयर मिला कि इसकी जान मार दे। अबे ऐसे मौज कर दी, हां मौज कर दी मां बेटे। तो गाइस यार हम लोगों ने कुछ प्रैंक भी कर लिया और मतलब क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, और जो रहते हैं अभी जा रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है यहाँ पे, अभी तो 3-4 बजे हैं और अभी क्राउड हो रहा है इकट्ठा, देखेंगे फिर से प्रपोज करने की कोशिश करेंगे किसी को, क्या पता कोई मान ही जाए। कौन होगी वो खुश नसीब, क्या बात है, वाह वाह, कोई तो ले लो, क्या क्या फूल फूल अंडर कुछ और लेने के लिए सोच रहा था साले, देख रहे हो साले एक से एक हरामी जुड़े हैं मेरे साथ, मतलब क्या ही बोलूं। तो चलो ठीक है यार, अभी हम देखते हैं आगे मतलब मिशन पे निकलते हैं। तो गाइस देखो अगला जो डेयर दिया है ना उन्होंने बोला है एकदम ऊपर से कूदना है, ठीक है इस बंदे का नाम है, देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसने ये डेयर दिया है, बस मतलब
मैं जा रहा हूँ कूदने, इसके जिम्मेदार होगा ये बंदा, ठीक है। एकदम ऊपर चढ़ूंगा, एकदम नीचे कूदना है मैंने, बस आखिरी है, बस बहुत हो गया। तुम लोग मार के खुश हो यार मेरे को।